जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। तुम जब आ जाओ, मस्जिद में अदा कर दे ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 9 ਸਾਲਾ ਹਰਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੌਣ ਲਈ ਬੈੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। पर हाल ही मशहूर कमेडियन भारती सिंह ने अपने घर तो एक बैड उसके लिए पहुँचाया। जलंधर का रहने वाला हर्ष 3 साल की उम्र तो ही गाँव आ रहा है। उसके पिता एक भजन गायक सन। छोटे होंदया वह अपने पिता को गाँवते देखता और उन्होंने वाग बनना चाहता सी, पर उसके पिता की एक दुर्घटना के मौत हो गई, जिस तो बाद हर्ष की माँ एक फैक्ट्री के काम करते रहे और उसका भरा भी रोजी रोटी कमाने लिए छोटा मोटा काम करता रहा। अपने परिवार की सहायता के लिए हर्ष मंदिरों में जाके भजन गाँवता और लोग उसनू कुछ पैसे देंदे सन, पर सच्ची गल है कि परमात्मा दे घर देर है पर अंधेर नहीं। एक रिश्तेदार के दसन से उसने एक वड्डे रियलिटी शो के लिए ऑडिशन दिता, जिस तो बाद वो रियलिटी शो के लिए चुनिया भी गया। हुण हर्ष अपनी गायकी दे नाल अपने परिवार और जलंधर का नाम रोशन कर रहा है। हर्ष की माँ सीमा दसती है कि हर्ष के पिता की मौत तो बाद भावें घर का गुजारा बड़ी मुश्किल के नाल हुंदा सी, पर हर्ष अपने पिता का फर्ज निभा रहा है, उसे रस्ते दे उत्ते चल रहा है। उसका पुत्र अज वड्डे गायकों के सामने गा भी रहा है। वह चाहेगी कि वह जित के अपने घर के हालात बदले। उत्थे ही हर्ष के वड्डे भरा राजन ने दसिया कि जदों भी उसकी वीडियो कॉल आती है तो वह खुश नज़र आता है। वह अपने बोलों के नाल पूरे भारत का दिल जित रहा है। मेरा बेटा बहुत मेहनत करके बहुत मुश्किलों के नाल सामना करके उस मुकाम तक पहुँचा। मैं सब का धन्यवाद करती हाँ कि जिन्होंने मेरे बच्चे नू इस मुकाम तक पहुँचाया। ये सर जी 3 साल का सीगा। हाँ जी पापा ने देखता सीगा घर, जब पापा फ्री होंगे से काम तो फिर अपना हारमोनियम ढोलकी सी अपनी। बस मेरे बेटे सारे महल को पता सीगा कि इन्होंने गाँव का बहुत सारे परिवार को शौक हैगा कि हर्ष बहुत वधिया गाँदा। फिर इस करके घर आ जाते से कोई ना कोई आंटी जी तुहाडे बेटे नूं प्रोग्राम हैगा तैयार कर दोगे। फिर मैं तैयार कर दिंदी सीगी ते छड्ड भी जांदे सीगे। उदों कदी 300 कदी 250 बस इदां हौली हौली तरक्की जी। ओह मतलब कि 3 साल दा सीगा, पहला पापा नाल जगराते ते जांदा सीगा ते उहनूं हौली हौली शौक पै गया ते नाल ही अपना मतलब कि जगराते कदी किसे नाल चल गया कदी किसे नाल चल गया, इदां ही उहनूं शौक पै गया। इस टाइम वड्डे मुकाम तक पहुँचा नूं बहुत खुशी है जी। नहीं इत्थे ही मतलब कि जिद्दां इत्थे सोसाइटी होर आ उत्थे दी सोसाइटी होर हो जांदी ना ते मतलब कि साडे नाल वधिया रहिंदा जी। इत्थे उत्थे जा कर ज्यादा मजाक मजूक करता है तो सू वी ना मैंने कभी बोले नहीं भात सुहा बोले नहीं तो कभी नहीं मारे इन्हें। सानू बड़ी खुशी है जी साडा छोटा भरा मतलब कि वड्डे मुकाम तक पहुँच गया। मैं कहना इदा ही परमात्मा तरक्की बख्शी जाए तो होर अगे जाइए। हर्ष के स्कूल प्रिंसीपल ने उसकी प्रशंसा करते कहा कि वह होशियार बच्चा है, पढ़ाई के नाल नाल गाउन दे विच बहुत वधिया है। वह अक्सर स्कूली मुकाबलों के हिस्सा लेके स्कूल का नाम रोशन करता है। उधर फैक्ट्री के मालक जिथे हर्ष की माँ काम करती है उसने भी हर्ष की तारीफ की है। मां प्रिंसीपल देवी हायर सैकेंडरी सैकेंडरी स्कूल सोडा रोड जलंधर। खुशी जी बयान करद नहीं बनती हैगी है। हर्ष सिकंदर जो सा थर्ड क्लास के पढ़ता बच्चा ये साड़ी प्रायमरी ब्रांच के पढ़ता सी। इसके फादर का 2-3 साल पहला गुजर गए हैं। ये बच्चा पढ़ने लिए बहुत तेज हर एक्टिविटी के जो भी इन्हें कहना बच्चे स्टेज पर आ इन्हें दौड़ के स्टेज पर आना तो कार्यक्रम कोई ना कोई इन्हें अपना पेश करना वधिया वधिया आवाज़ सी इहदी। ते हुण इह बच्चा जी न्यूज़ दे विच एक रियलिटी शो दे विच पार्टिसिपेट कर रहा हैगा सारे गामा पा ते सानू उस बच्चे ते माण है। मेरा नाम कृष्ण लाल हैगा ते इह साडे कोल इहनां दी मम्मी काम करदी है ते साडे कोल हर्ष आंदा सीगा मतलब मम्मी दे नाल किस टाइम स्कूलों जिथे छुट्टी हुंदी सीगी ते शरारती बहुत सीगा ते आ के मम्मी नाल शरारतां शरूफतां करदा रहिंदा सीगा ते इस करके मुंडा बहुत मेहनती है। तो हूँ अं वीडियो देखते हैं तो सानू भी फोन आते हैं
मतलब कहते भी मतलब मैं भी चलो कुछ ना कुछ बनागा तो अपनी मम्मी नू मतलब मतलब सहारा देवगा। हाँ पहला जो स्कूल चो आया उन्होंने जो सिलेक्ट होया तो स्कूल चो सीधा ही साढ़े इतने फैक्ट्री आया सी ते आ गए उन्होंने स्कूल वाले ने भी इन्हू सन्मानित किया उस तो बाद साड़ी फैक्ट्री आया सी ते फैक्ट्री वाले ने भी अं सारे बहुत मतलब सन्मानित किया। यह सी निक्की उम्रे वड्डियां मल्लां मारन वाले हर्ष की कहानी जिसने अपनी मेहनत ते लगन दे सदका वड्डा मुकाम हासिल किया अते ओ दिन दूर नहीं जदों ओ गायकी दे खेत्र विच वी चन वांग चमकेगा।